हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने मुझे पिछला व्लॉग में, सबसे पहला जो व्लॉग था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो आज मैं अपना दूसरा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो आज मैं हम लोग चलते हैं एडवेंचर करने डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। सो गाइज, हम आधा दूर तक आ चुके हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड, यहाँ पे हाथी है। तो ये जो जंगल है, जो बहुत मतलब हाथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में यहाँ पाए जाते हैं, तो कभी कभी आते भी हैं। और आई होप आज दिख जाए, और अगर दिखेगा तो भागना होगा हमको। बट यू नो वॉट गाइज, हाथी बहुत तेज़ दौड़ता है इंसान से, तो अगर आप सीधे सड़क पे अगर उसके साथ रेस लगाइएगा तो आप हार जाइएगा। सो हाँ, अगर आप स्लैंट ढलाव जहाँ होता है वहाँ पे उतरते टाइम उससे ये आप जल्दी निकल सकते हैं, बट सीधे सड़क पे आप तेज़ नहीं भाग सकते हैं हाथी से। कितना ज़्यादा बड़ा जंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे लेपर्ड्स भी रहते हैं बोला जाता है ऐसा, और हाथी तो रहता ही है। चलो मैं भागता हूँ यहाँ से, वरना कब आ जाएगा फिर मैं हार जाऊँगा। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी के लिए फेमस है वाइल्ड लाइफ और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं दो हाथी। टेंशन नहीं है, बना हुआ है, नहीं तो अभी हम ऐसे व्लॉग नहीं बनाते रहते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हम पूरा सुनसान रोड पे हैं अभी। ये वही पहाड़ है जहां से उतरा करता है हाथी, तो अभी आ सकता है, और अगर आया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, भागना होगा फिर। और ये देखिए पूरा रोड सुनसान, कोई नहीं है यहाँ। और ये देखिए यही वो रास्ता है, सबसे डेंजरस रास्ता, जहाँ से हाथी उतरता है उधर जाने के लिए, उधर आपका पानी पीने के लिए जाता है। तो गाइस डर लग रहा है, बट अच्छा भी है, मज़ा आ रहा है। चलिए अभी बहुत रास्ता तय करना है। सो गाइज, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से यहाँ पे कितना पेड़ जल गया है, तो ये भी होते रहता है। तो मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में इसीलिए बोला था कि हम लोग को कितना ज़रूरी है प्लांटेशन करने की। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल कितना ज़्यादा मतलब जल गया है, ये सब तरफ देखिए आप, पूरा ज़्यादा गर्मी की वजह से कभी कभी फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से पूरा देख सकते हैं आप मेरे पीछे। सो इसलिए कभी भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर एक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हुए हैं, जल्दी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। सो चलिए गाइस, हम लोग फाइनली डलमा में आ चुके हैं, डलमा पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वो बहुत फेमस है, उसके लिए पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सो गाइस, आपने देखा कितना कर्व रोड था, कार चलाने में तो हालत ही ख़राब हो गई एकदम पूरा। और जो कच्चा ड्राइवर होगा वो इस रोड पे जो चला लेगा, इंडिया के कोई भी जगह पे चला सकता है कार। सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी मंदिर में जाऊँगा, पूजा करूँगा, और उसके बाद फिर नीचे हम लोग चढ़ेंगे एडवेंचर करने के लिए, पहाड़ की रास्ता से नीचे उतरेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी निकाल रहे हैं हम कुआँ से, और उसके बाद पानी निकाल करके हाथ धोएंगे, उसके बाद फिर पूजा करने जाएंगे। ओ आ गया पानी, तो ये देखिए हो गया, हाथ धो लिए, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं पूजा करने के।
शिव जी का गुफा है, उसके अंदर हम जा रहे हैं। बहुत ज्यादा चढ़ाई है, आराम आराम से आइए। मक्खी बहुत है यहाँ पे, आराम से आइएगा। गाइस आप देख रहे हैं कि यही चीज के लिए सबको याद है यहाँ पे डलमा में, और पूजा तो करते ही है। पूरा जो सीन आपको दिख रहा है वहां पे। सो गाइस, अभी जैसे आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गिल्स को देखे थे एडवेंचर करता था, तो वैसे ही अभी पूरा खाली है। चलिए नीचे उतर के देखते हैं क्या है। एक्चुअली एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो आइए मेरे साथ आइए। यहाँ पे चट्टान पे चढ़ के उतरना बहुत ही मुश्किल है, बट आराम आराम से उतरने। सो गाइस देखिए कितना स्लैंड चट्टान है, इस पे उतरना बहुत मुश्किल है। आप कभी ट्राई मत करना प्लीज। मुझे अच्छा लगता है एडवेंचर करना, मैं उतर रहा हूँ। गाइस यहाँ पे आराम आराम से इसके पास जैसे सीधा रास्ता दिखाई देता था, बट फिर भी वो सीधा रास्ता नहीं लग सकता, वो थोड़ा माहौल बनाने के लिए थोड़ा पेचीदा रास्ता लेता था, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तो ये रास्ता क्लियर है एक्चुअली, बट हम उससे जाएंगे। आइए यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा है, और सुनने में आया कि अभी अभी लेपर्ड घूम रहा है इधर उधर। ऑल द बेस्ट। और सांप तो हर जगह रहता है। ये देखिए, कभी आप ट्राई मत कीजिएगा प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आइए घूमिए और जाइए, एडवेंचर मत कीजिएगा मेरे जैसा। मैंने जानबूझ करके इतना टफ रोड ले लिया, अभी खुद को पछता रहे हम, और करना पड़ेगा। मुझे डर भी लग रहा है कि नीचे अगर सांप बैठा होगा तो फिर बट कुछ नहीं, रिस्क लेना जरूरी होता है मानव के जीवन में। यस, मैंने पार कर गया। गाइस मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अभी अभी ने इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने कि अभी एक हाथी इधर कहीं घूम रहा है, तो मे बी वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ है शायद, मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करने के लिए। एक्चुअली में हाथी है वहां, हमें चलना चाहिए यहां से, हमें यहां से चलना चाहिए। एक्चुअली में हाथी है, चल 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 यहां से। मुझे लग रहा है सही है, हाथी ही है। अब
देख रहे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे झाड़ी के पास छुपा हुआ है। सो आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए और यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा बियर गिल्स बनने का जरूरत नहीं है। उसके पास बहुत ट्रिक्स था, मेरे पास कुछ नहीं है ट्रिक्स, और मेरे पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। फाइनली गाइस वहाँ से बच करके निकल आए हम लोग, अब यहाँ पे सेफ हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो चीज़ के लिए फेमस है, एक मंदिर है और दूसरा जो ये व्यूज़, ये जो आप व्यूज़ देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से जमशेदपुर कवर करता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर के। यहाँ पर आना, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर सही में आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा ये ब्लॉग। आगे और भी टॉपिक बनाऊंगा मैं ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू सो मच।